नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और बागवानी से जुड़ी हर संभव जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही हार्डी प्लांट है एंड दिस इज बोगनवेलिया। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए। ये प्लांट मुझे मेरी डॉटर ने गिफ्ट किया है, तो मैं इसे बस लगाने जा रही थी। आई थॉट कि आपके साथ में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसे आप कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये भी कटिंग से ही ग्रो किया गया है। इसकी थिकनेस देखिए, ये जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, पतली कटिंग नहीं लेनी है आपको। ये जो थिकनेस देख रहे हैं ना, इसी थिकनेस से ये काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सी वराइटीज़ पाई जाती है, बहुत सी वराइटीज़। कलर्स बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं इसमें। पिंक कलर जैसा जो है, पिंक, वाइट, ऑरेंज, बहुत से कलर्स होते हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी बहुत फेमस है ये प्लांट। इसे कागज़ का फूल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज चलती है उसमें इसे कागज़ का फूल भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके सॉइल मिक्स की। इसे कितना बड़ा पॉट चाहिए, इसे धूप कैसी चाहिए और इसमें पानी कितना डालना है। और अगर किसी का बोगनवेलिया का पुराना प्लांट है जो ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं वीडियो के एंड में आपको उसके लिए कुछ टिप्स दूंगी। आप वो ट्राई कीजिए, आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। तो इसे लगाने के लिए आपको 8 से 10 इंच तक का पॉट लगेगा। मिनिमम आप 8 से 10 इंच का पॉट लीजिए। कारण है उसके पीछे, क्योंकि इस प्लांट को बार बार रिपॉटिंग पसंद नहीं है। आप 2 से 3 साल में इसे रिपॉट कीजिए। अगर आप बार बार रिपॉटिंग करते हैं तो ये प्लांट थोड़ा सा लेजी होता है। ये अपनी रूट्स को थोड़ा सा रूट बॉन्ड करके रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए हम स्टार्टिंग में ही इसका जो प्लांट है, इसका जो पॉट है वो थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। 8 से 10 इंच का पॉट मैंने लिया है। इसकी सॉइल मिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसमें 40% अपना गार्डन का सॉइल डाला है, उपजाऊ मिट्टी। 40% बींग ऑर्गेनिक का वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है। 20% मैंने इसमें कोकोपीट डाला है। रेत मेरे पास थी नहीं, कोकोपीट थी तो मैंने कोकोपीट डाल दी। और नीम खली डाली है। उसके अलावा मैंने इसमें बनाना के जो सूखे बनाना के जो छिलके होते हैं उन्हें सुखाकर उसका पाउडर बना के डाला है, ठीक है। उससे इसकी जो फ्लावरिंग होती है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गया मेरा सॉइल मिक्स प्रिपेयर। अच्छा सा पोषक तत्वों से भरा हुआ है ये। अब मैंने पॉट में नीचे ये नारियल के छिलके रख दिए हैं। नारियल के छिलके क्यों रखे हैं मैंने, ताकि जो पानी ड्रेन आउट होगा तो उससे मिट्टी साथ में ना जाए। मिट्टी साथ में नहीं जाएगी तो पोषक तत्व कम बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने नारियल के छिलके रखे हैं। आपके पास ना हो तो आप गमले की ठीकरी रख लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पर ड्रेनेज होल प्रॉपर तरीके से बंद करिए। इट मीन्स उसे बंद नहीं करना है, उसके ऊपर कुछ रखना है। अगर ड्रेनेज होल बंद हो गया मिट्टी के बहने से, तो आपके प्लांट की जड़ें सड़ जाएगी। इस पॉइंट को हम बहुत ही नॉर्मली ले लेते हैं। ड्रेनेज होल है, ठीक है, पर ड्रेनेज होल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ में। तो ध्यान रखिएगा आपका ड्रेनेज होल बंद ना होने पाए। अब इस पॉट में मैं ये मेरा सॉइल मिक्स पूरा डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसे। ओह, भरेंगे इसे हम। ठीक है, ये रहा मेरा प्लांट। इसे फुल सनलाइट पसंद है, इसे छांव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप जब भी इसका पॉट रखें तो उसकी जगह देख लीजिए कि आप इसे जहाँ रख रहे हैं वहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप निश्चित रूप से आए। इसे पानी कम देना है, पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। समर फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसलिए पूरी धूप लगेगी और पानी कम लगेगा, ठीक है। इसकी मिट्टी को मैं थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ। ध्यान से करिए, रूट्स डैमेज ना हो।
ये प्लांट आपसे ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, और अगर इसे सपोर्ट मिल जाता है तो ये काफ़ी हाइट भी ले लेता है। आप नॉर्मली देखेंगे हाईवे के आसपास भी ये काफ़ी लगा रहता है। हमारी सिटी इंदौर देश के स्वच्छतम शहरों में से जो है उसमें आपको हर जगह बोगनविलिया मिलेगा। इजीली अगर मैं कटर लेके निकल जाऊँ अपने सिटी में तो मैं कहीं से भी इसका कटिंग लेके आराम से लगा सकती हूँ। तो अगर आपके आसपास भी ये लगा है तो आप कटिंग से लगा लीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ऊपर से मैं गमले को थोड़ा खाली रखूंगी क्योंकि समय समय पे मुझे इसको फीड करना रहेगा, तब मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो सर जी मेरा प्लांट लग के तैयार है। जैसा कि मैंने बताया, पानी की अगर मैं बात करूं तो इन महाशय को पानी बहुत कम लगता है। पानी कम देंगे तो फ्लावरिंग अच्छे से होगी। पानी कम दीजिए, फुल सनलाइट में रखिए, और कुछ नहीं मांगेंगे ये। इन्हें तो इवन नीम ऑयल के स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनमें कीड़े नहीं लगते। अगर फिर भी कभी कीड़े लग जाए तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप भी जाइए, जहाँ से भी आपको बोगनविलिया की कटिंग मिले ज़रूर लगाइए। अपने गार्डन के ऐसे कोने में रखिए जहाँ पर इसे बहुत सारी धूप मिले, कम खाना कम पानी दें, फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ हम डालें उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।